नमस्कार दोस्तों, उषा किचन फूड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरी धनिया के पत्ते से पाउडर बनाना बताएंगे, जो आप इसे 2-4 महीने स्टोर करके यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम डंठल समेत धनिया लिए हैं, इसका हमें सारा पत्ता और कुछ फलियां हैं उतार लेना है। देखिए, हम सब पत्ते और फलियां तोड़ लिए हैं। अब इसे हम अच्छे से धोएंगे ताकि इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं और गंदगी जो होती है साफ़ हो जाएगा। देखिए, अच्छे से हम धो लिए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी हम डिश बनाते हैं घर पे तो धनिया नहीं हरी मिलती है, तो उसके बिना स्वाद हमारा खाना का अधूरा रह जाता है। तो अगर आप इस धनिया का पाउडर बना कर घर पर रखेंगे तो आपको ऐसा कभी नहीं फील होगा। देखिए, इस धनिया को हम बड़े से चलने में ले लिए हैं ताकि इसका पानी बाहर आ जाए, और इसको हमें पंखे की हवा से सुखाना है, धूप में नहीं, ताकि इसका फ्लेवर जो हरापन है सेफ रहे। देखिए, इसको हम सुखा लिए हैं अच्छे से, हमारा धनिया सूख गया है। अब इसका हम पाउडर बना लेंगे दोस्तों। देखिए, एक मिक्सी जार में रख लिए हम इसको, अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। देखिए, हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम चलनी में छान लेंगे। देखिए, हमारा पाउडर तैयार हो गया। इसी तरह आप भी ट्राई करें, आप चटनी, सलाद, सब्जी वगैरह में डाल सकते हैं। एक बार आप ही ट्राई करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।